हमको तो लोगों की जान बचाना है, इसलिए सत्य और सिद्ध बात बताना है। संत उमाकांत जी महाराज आश्रम उज्जैन। विश्वविख्यात संत उमाकांत जी महाराज ने जय गुरुदेव आश्रम उज्जैन में कोरोना बीमारी से बचाव का उपाय बताते हुए देश और दुनिया से प्रार्थना करी कि न केवल कोरोना बल्कि भविष्य में आने वाली महामारियों से बचने के लिए शाकाहारी हो जाएं, मांस मछली अंडा शराब का सेवन बंद कर दें, क्योंकि ये सब जानलेवा बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। इसलिए हम सभी शाकाहारी नशा मुक्त हो जाएं, गौ माता करेंगी मानव रक्षा। अपने संदेश में महाराज जी ने देश के सभी राजनेताओं से आह्वान करते हुए कहा, इस समय प्राण बचाना सबसे जरूरी है। इस काम से गाय बहुत उपयोगी सिद्ध होगी, गाय बचेगी लोग बचेंगे। इस समय पक्ष विपक्ष के सब लोग अपनी और सबकी जान बचाने के विचार से सहमत हैं, लेकिन अज्ञानता में गाय रोज काटी जा रही है। इस समय गाय बचाना अत्यंत आवश्यक है, इसलिए सब लोग मिलकर एक प्रस्ताव लाकर गायों की रक्षा कराई जाए, क्योंकि इस कोरोना जैसी महामारियों से मानव की रक्षा गाय माता ही कर सकती है। इतना ही नहीं, महाराज जी ने देश की जनता से इस मुश्किल समय में बिजली पानी और अन्न का अपव्यय ना कर उनकी बचत करने का भी आह्वान किया और सरकार के नियमों का पालन करें। फिर गड्ढे से निकलेंगे कैसे? ऐसे ही ये जो जातिवाद था, भाई भतीजावाद था, कौमवाद था, और ये जो पार्टियों में एक दूसरे के पक्ष विपक्ष पार्टियां थीं, यह सब अब ऐसे समय पर एक हो रही। जान बचाओ और जान अपनी बचाओ, दूसरे की भी बचाओ। जान बचाने में अपने अपने लगे हुए हैं, लोगों के जान बचाने में सब एक हो गए हैं। तो हम आज ये कहेंगे कि यह सब लोग मिल करके और ऐसा प्रस्ताव पास कर दें कि देश में गौ हत्या पर तुरंत लगाम लग जाए, तुरंत बंद हो जाए, क्योंकि ये जो जानलेवा बीमारी आ रही है उसके लिए ये जो गौ माता हैं ये रक्षक बनेंगी, रक्षा इससे होगी। आप ये समझो, कोई बात कहा जाए तो उस पर अमल होना चाहिए। करने वाले की गलती नहीं मानी जाती है, तो गुरु महाराज हमारे पूरे संत थे और उनके आदेश से ये काम कर रहा हूँ, तो मेरे समझ में जो आ रहा है वो आपको मैं बता रहा हूँ। बराबर गुरु महाराज भी कहते रहे, मैं भी बराबर कह रहा हूँ कि गाय माता है। माता किसको कहा जाता है? जो पालन करती है, जो अन्य दूध पिलाती है, बच्चे को बड़ा करती है, संभाव रखती है। एक माँ के चाहे चार बच्चे हों लेकिन सबके लिए बराबर उसका प्रेम रहता है और सबको वो खिलाती है, सबकी परवरिश करती है। तो ये गाय या माता तुल्य है, गौ माता कहा जाता है। माँ जो होती है वो कभी किसी के भी माँ खराब नहीं होती है। आप ये समझो कि माँ से कोई गलती भी बन जाए तो समझो कि माँ ही रहेगी वो, तो माता का बड़ा स्थान होता है। गाय की हर चीज़ें अन्य समझ लो मनुष्य के लिए फायदेमंद हैं, रोगनाशक हैं। दूध को तो अमृत बताया ही गया, उसका जो मूत्र है, उसका जो गोबर है, उसके शरीर की जो अन्य समझ लो कि एक तरह से गंध है, वो भी कीटनाशक है, लोगों के लिए फायदेमंद है। अब आप देखो कि गौशाला में रहने वाले लोगों के रोग जब खत्म हो जा रहे हैं और आप ये समझो कि गऊ के ही रिसर्च में अभी ये बताने लग जाए कि गऊ के पास ही रहो, गऊ का गोबर मूत्र और ये सब दूध प्रयोग करो तो तुम्हारी ये तकलीफ जाएगी, तो गऊ को तो कटवाए दे रहे हैं। उनको तो समझो कि ऐसे हिंसक जानवर कि जिनसे भर रहता है कि हमको
काट लेगा, मार देगा उसको, जिस तरह से लोग मार देते हैं, काट देते हैं, इस तरह से काटने लग गए। अब भी चेतने की जरूरत है, गऊओं का कटना बंद हो जाना चाहिए। ये गाय मनुष्य के लिए बहुत फायदेमंद चीज रहेगी, हमको इसकी फिक्र नहीं है कि कोई नाराज हो या खुश हो, हमको तो लोगों की रक्षा की फिक्र है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर फिर जल्दी मिलने वाला नहीं है। अब यह मानव मंदिर है, जैसा मैंने बताया कि रोज मंदिर जाते थे, मंदिर बढ़िया से बढ़िया बनवाया,